हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नो फरहान यूट्यूब चैनल। दामिर भाई, आज हम बात करने वाले वीवो X100 5G के बारे में। ये एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है। इसके जो एंटीटू बेंचमार्क स्कोर निकल के आए काफी तगड़े है, वो भी आपको वीडियो का एंडिंग में बताऊंगा। तो वीडियो का एंडिंग देखना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। चलते मेरे भाई वीडियो स्टार्ट कर। सबसे पहले हम देखते हैं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले 6.67 इंचेस का। अगर वो एमोलेड डिस्प्ले प्लस 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट आपको देखने के लिए मिलती है, तो ये तो काफी सही चीज है। अब सिंगल सेल्फी कैमरा आपको 32 मेगापिक्सल के देखने के लिए मिलेगा, जो पंच होल स्क्रीन के साथ में आएगा, जो काफी सही लग रहा है देखने में। बैटरी की बात करूँ, 5000 mAh बैटरी, 120 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको आउटपुट बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, तो ये भी काफी सही है। बैक साइड में क्वाड कैमरा है। यहाँ पे भी दो सेंसर के बारे में इन्होंने हमारे साथ में शेयर किया। 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। 64 मेगापिक्सल का पेराइस्कोपिक लेंस इस फोन के अंदर ये ऐड करने वाले। और हाँ मेरे भाई, आपको अल्ट्रा वाइड भी इस फोन के अंदर देखने के लिए मिलेगा, और एक माइक्रो भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। कैमरा सेटअप अच्छे मेरे भाई निकल के आए। पर्सनली मुझे लुक तो बहुत ही सही लगा। आपको इस स्मार्टफोन का लुक कैसा लगा प्लीज अपनी राय कमेंट में बताना। और सबसे मेन जो इस फोन का पार्ट है मेरे भाई, वो इसका प्रोसेसर Dimensity 9300 प्रोसेसर। नो डाउट मेरे भाई काफी वालू है। एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये भी काफी अच्छी चीज होती है मेरे भाई। LPDDR5T रैम का सपोर्ट है। UFS 4.0 स्टोरेज मेरे भाई, आपको गेमिंग के अंदर काफी तगड़ा एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा। क्लोजिंग ओपनिंग एप्लीकेशन आपको काफी फास्ट देखने के लिए मिलेंगे, तो हाँ ये चीज आपको काफी तगड़ी से स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए मिलेगी। अगर आप गेमिंग के लिए भी इसे खरीदना चाहते हो तो ले लेना मेरे भाई, काफी तगड़ा ये फोन निकल के आता है। एंटीटू बेंचमार्क स्कोर की बात करूँ, जो आपके सामने मेरे भाई स्क्रीन के ऊपर काफी तगड़े निकल के आए हैं। गीकबेंच स्कोर भी मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। हाँ, सिंगल मल्टीपल दोनों ही काफी अच्छे रिजल्ट है मेरे भाई। और एंटीटू में GPU CPU काफी तगड़ा निकल के आया है। वैसे इसकी जो मेरे भाई रैम होगी 16 GB तक के इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, वेरिएंट 12 GB 16 GB तक। तो हाँ मेरे भाई, ये तो काफी सही चीज था। प्राइसिंग और लॉन्च डेट अभी किधर भी निकल के नहीं आई है। अभी ये फिलहाल फोन जाएगा चाइना में, फिर उसके बाद इंडिया में आएगा। वैसे आप क्या वीवो X100 5G को लेके एक्साइटेड हो प्लीज अपनी राय कमेंट में बताना। आपको ये फोन कैसा लगा ये भी बताना। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हाँ मेरे भाई सब्सक्राइब कर ही लेना। मिलता हूँ आपसे साथ में, तब तक के लिए बाय मेरे भाई।